अमृतसर में जिस जगह पर यह ग्रेनेड हमला हुआ था वहां से एबीपी न्यूज की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। पंजाब के अमृतसर में निरंकारी भवन में ग्रेनेड हमले में 3 लोगों की मौत के 3 दिन बाद भी हमलावरों का कोई सुराग नहीं मिला है। हमले के बाद सबसे पहले एबीपी न्यूज पहुंचा ग्राउंड जीरो निरंकारी भवन के अंदर जहां हमला हुआ था। आप देख सकते हैं वही सत्संग भवन है जिसमें रविवार को कार्यक्रम चल रहा था और एक आतंकवादी नकाबपोश थे, दोनों ने मुंह पे कपड़ा बांधा हुआ था। वहां पे गए और वो मेन गेट वहां से वो अंदर एंट्री करता है और आगे जाके ग्रेनेड लॉब कर देता है। वो इतना जबरदस्त ब्लास्ट था कि वहां उसमें 3 लोगों की मौत हो गई, 19 लोग इंजर्ड हो गए। वो लड़का जिसने ग्रेनेड फेंका यही एस्केप रूट वापस लेता है और वो जो उसके साथ उसका जो साथी था जिसके पास पिस्तौल था, मोटरसाइकिल ब्लैक कलर पल्सर मोटरसाइकिल से वो लोग फरार हो जाते हैं। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।